हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीट्यूब फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को है। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। इसी दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर बैन को लेकर भी बेबाक अंदाज में जवाब दिया। शाह ने कहा, आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का यह बहुत बड़ा डिसीजन था। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश को इसका फायदा होगा। कोई भी संगठन अगर देश को तोड़ने में लगा तो हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। और इसी कड़ी में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। तमाम लोक लुभावनाओं योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसी में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले संगठनों जैसे कि बजरंग दल पर बैन लगाएगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि यह ऐसे संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी जो धर्म या जाति के आधार पर समाज में नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि बजरंग दल या ऐसे अन्य संगठन जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह से संगठनों पर बैन लगाया जाएगा और उचित एक्शन भी लिया जाएगा। इसके जवाब में अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही गारंटी स्कीम पर भी अपनी बेबाक राय रखी। शाह ने कहा, कांग्रेस ने कई राज्यों में गारंटी स्कीम चलाई, लेकिन जिस पार्टी की इमेज ना हो उसकी गारंटी कौन मानेगा। दोस्तों, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। उनका कहना है कि इनका मुस्लिम एजेंडा है। ये आज PFI नहीं कह सकता तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम बदला लेंगे। PFI के अनुरोध पर ही कांग्रेस ये वादा कर रही है। यह मैनिफेस्टो ही PFI ने तैयार किया है। आप बजरंग दल को क्यों बैन करेंगे? बजरंग दल ने कौन सा बम धमाका किया है? उनके खिलाफ कौन सा केस दर्ज किया गया है? तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो प्रजाध्वनि जारी कर दिया है। BJP ने वादा किया है कि फिर से सत्ता में आने पर वह यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को कर्नाटक में लागू करेगी। BJP ने कहा है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी। इस कमेटी में सुझावों के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा ने विधानसभा की कुल 224 सीटों में से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। राज्य में 10 मई को मतदान होगा जबकि 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो अब दोस्तों, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इसके साथ ही ऐसी खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल वीट्यूब फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।